पूरी रेस लगा ही लेते हैं आज। हमारे चालू होने से हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, केम शो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन माइल्स व्लॉग। तो एक बार फिर सर सबका स्वागत है अपने एक और नए मोटो व्लॉग में। तो गाइस, शायद आप लोगों को देख के एक्चुअली कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो विंडशील्ड है कल मैंने चेंज करवाया है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करा है। एक्चुअली कल मैं गया था मिर्ज़ापुर, वैसे मुझे इसका व्लॉग बनाना था पर रात को एक्चुअली गया और दिन में थोड़ा काम था तो मैं जा नहीं पाया, तो इसलिए शाम को गया था और अंधेरा भी हो चुका था, तो इसलिए मैं इसका जो है शूट नहीं कर पाया दोस्तों। तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा बाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो विंडशील्ड है वो मैंने पूरा ब्लैक कलर का इसमें डाला हुआ है और इसके अंदर जो है हैजार्ड लाइट भी मैंने डाली हुई है दोस्तों। और उसके बाद थोड़े और भी मॉडिफिकेशन जो है मुझे करवाना है, वो बाद में धीरे धीरे थोड़ा मैं करवाता रहूँगा जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे और आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करते जाएंगे उसके हिसाब से दोस्तों थोड़ा थोड़ा काम करवाएंगे। और ये एक्चुअली मैंने जो लगवाया है आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में भी अच्छा लग रहा है। और जो पुराना वाला वाइट वाला था वो आगे से एक्चुअली ख़राब हो चुका था, इसलिए उसको मैंने निकाल दिया ताकि यहाँ पे जो है मैं स्टिकर लगा सकूँ अपना यूट्यूब चैनल का। जल्दी मैं स्टिकर भी लगाने वाला हूँ गाइस। तो कल रात को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मैं गया था, 8-8:30 बजे के आसपास मैं मिर्ज़ापुर गया था। तो दो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कराए हुए हैं, एक तो हैजार्ड लाइट डलवाई, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्विच दिख रही होगी, ये एक्स्ट्रा स्विच जो मैंने हैजार्ड लाइट की डाली हुई है, और दूसरा जो मैंने विंडशील्ड करवाया है तो इसका मुझे कुछ कॉस्ट नहीं पड़ा, ये कुछ 650 का आया और ये 250 में मैंने लाइट करवाई है, तो अप्रोक्स 900 रुपीज़ का कुछ खर्चा हुआ है दोस्तों। तो उसके हिसाब से जो लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। हैजार्ड लाइट का तो वैसे दिन में एक्चुअली इतना काम नहीं है, रात को ही वो थोड़ा उसका एक शो निकल के आता है, काफ़ी अच्छा लगता है और स्पोर्ट बाइक का एक लुक भी रेडी करता है। और पिछला जो मोटर वर्क डाला था उसमें उस व्लॉग को दोस्तों आप सबने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विद इन अ डे, विद इन अ वन डे के अंदर उस पर 100K व्यूज़ कम्प्लीट हो चुके हैं और एड भी उस पर आना स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग जो है इस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 11:30 और आज है संडे, और जो भी मेरे भाई है सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, आज जो है ईद मिलाद है दोस्तों, तो आप सबको ईद मिलाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, बाद में दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ इसका जो बाहर से जो लुक है कैसा है, और जो हैजार्ड लाइट है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसा इसका लुक आ रहा है। अरे भाई क्या करेगा, भाई यार कार वाले भी रेस लगाने पे आ जाते हैं, पता नहीं क्या है ये मोटो व्लॉग सेटअप देख के बंदा ऐसे ही कट मार रहा है। तो जो अहमदाबाद से दोस्तों आप लोगों को पता होगा, दो दिन से मौसम काफ़ी अच्छा था, दो दिन से एक्चुअली बारिश हो रही थी और आज भी आज धूप निकली हुई है और धूप छाँव जैसा हो रहा है, हो सकता है आज भी बारिश आए। दो दिन से तो मैं वैसे रेनकोट कैरी करके निकल रहा था तब बारिश नहीं आया, पर आज जो है रेनकोट मैंने नहीं लिया, तो शायद हो सकता है आज बारिश आए, क्योंकि रेनकोट जब नहीं लेते हैं तब बारिश दोस्तों ज़रूर आती है। अहमदाबाद का मौसम ही कुछ, क्या मक्खन की तरह चलती है R15 इसका पिकअप यार, मानना पड़ेगा काफ़ी बढ़िया है। तो यार ऐसे मौसम में हम कहीं भी जा सकते हैं। ये ठीक टाइम पे निकल गए भाई, सिग्नल ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। क्या है भाई, चक्कर जाम लगा रखा है यहाँ पे, निकलो निकलो, निकलने दो और निकलो, एक मिनट भाई,
चलिए चलते रहिए भाई। रुक पार्किंग लाइट क्यों ऑन रखी भाई। जो है दोस्तों ब्रिज नहीं चढ़ाने वाला हूँ मैं आज, मैं ब्रिज नहीं चढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से नीचे नीचे से जाऊँगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में या शाम को यहाँ पे अभी पुलिस की चेकिंग काफ़ी है, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी और अभी पूरा फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए इस वजह से स्टार्ट लेट्स गो। पुलिस सामने खड़ी हुई है, चलो भाई। कुछ रिएक्शन नहीं आया, मुझे ऐसा था कि ये सेटअप वगैरह बाइक वगैरह देख के पकड़ने वाले हैं, पर शुक्र है नहीं पकड़ा। कि पुलिस वाले भी जो है योनिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है काफ़ी थके हुए हो गए, ये गेयर्स वगैरह सब दोस्तों पहने हुए हैं, इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ये सड़क भी दोस्तों बन चुकी है, थोड़े दिन पहले मैं आया था, इतनी ख़राब सड़क थी अब मैं बता नहीं सकता, और अब आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ बना दी है सड़क। तो ये आ गया अहमदाबाद का कॉलेज एरिया, गुजरात यूनिवर्सिटी, यहाँ पे काफ़ी सारी कॉलेजेस बनी हुई है और कैंपस भी काफ़ी सारा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं ये है कैंपस, स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर। मुझे भी काफ़ी मन था दोस्तों कॉलेज जाने का, पर अनफॉर्चुनेटली मैं कॉलेज जा ही नहीं पाया, क्योंकि एडमिशन तो लिया था पर कॉलेज में स्टडी नहीं किए मैंने, तो कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो लेना था मुझे, पर शायद जो है अपने नसीब में नहीं था कॉलेज में जाना और स्टडी करना। खैर ठीक है, आज हम जो भी कर रहे हैं, उस जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है, तो आपको लाइफ में वही करना है जी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुकून दे, शांति दे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका मन लगे। तो पहले से अपना मन था एक यूट्यूब करने का, और फाइनली आज एक साल हो चुका है आपके साथ, आपके सामने जो है दोस्तों मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं, और भी काफ़ी सारी माइलस्टोन मुझे अचीव करने हैं, तो उसके लिए और भी मेहनत लगेगी मुझे, सिर्फ यहाँ पे जो है ख़त्म नहीं करना है। ओए ज़रूर करना, ये गिर गई चाबी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ R15 की फाइनली आज मैं सर्विस कराने वाला हूँ, तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ अल्ताफ भाई के गैरेज पे, तो फाइनली जो है सर्विस कराएंगे, क्योंकि जब से लिए मैंने सर्विस एक भी बार नहीं करवाई है, सिर्फ हर बार जो है वॉशिंग ही करवाई है। तो आज जाके मैं है, आज जाके फाइनली संडे भी है और इतनी गाड़ियाँ भी नहीं है उनके पास, तो जाके मैं सर्विस करवा देता हूँ और R15 वहाँ पर रख दूँगा, और देखता हूँ दूसरी कौन सी गाड़ी है वो मैं ले लूँगा, क्योंकि थोड़ा और भी काम है, तो क्या काम भी हो जाए और अपना मोटो व्लॉग भी अच्छे से बन जाए दोस्तों। देखो अभी गाड़ी कौन सी देने वाले हो मेरे को, ये बर्गमैन, क्या बात है, चलो आज ये चलाएंगे। अभी तो बंद रखिए लाइट, नहीं अभी तो दिन में तो उसका कोई काम ही नहीं है ना, आराम से चलाना गाड़ी ठीक है। यार बुलेट बुलेट क्या है, बुलेट वो सारा बुलेट इतनी दूर, इसमें ऐसा बोल रहा हूँ इसका जो अंदर के जो टायर है ना पूरे अच्छे से वॉश कर देना, वो तो लिक्विड पेट्रोल वेट्रोल मत निकल लेना। अल्ताफ ने दी भाई बर्गमैन, ये लेके जाऊँ इसमें पेट्रोल लेके नहीं, अच्छा
लगता है। ये तो लाइन ये ना ये नीचे दिखती है ऊपर। अच्छा अच्छा तुम बोल रहे पेटी पैग है, कहाँ से पेटी पैग लग रही है पूरी घसी हुई गाड़ी है। चलो भाई तो फिर चल रहा हूँ, ठीक है। फिर गाड़ी कब तक दे दोगे सर्विस करके? 3 बजे कंप्लीट करके दे दोगे ना? अभी तो ये लेके जा रहा हूँ। और चल ही गए, अभी हमने दे दी है गाड़ी अपनी। क्या बात है। वैसे इसकी पिकअप भी मैंने देखा है, काफ़ी बढ़िया है गाड़ी है। बर्क में चलाने में भी बहुत एक नंबर है। और इसका जो पिकअप है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका पिकअप आप देख सकते हैं क्या बढ़िया पिकअप है। वाह क्या भागती है पर। ये गाड़ी पिकअप तो इसका बढ़िया है, पर इसके अंदर पेट्रोल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा रहता है ये बाइक, ये गाड़ी के अंदर। और काफ़ी चलती है आजकल ये गाड़ी, जहाँ भी देखो ये गाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। तो लोग मैं निकल चुका हूँ बर्ग में लेके। अभी थोड़ा काम है एक्चुअली, गोप्रो की चार्जिंग जो है ख़त्म होने वाली है, ऑलमोस्ट स्विच ऑफ होने वाला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोप्रो का केबल लेने के लिए। तो देखते हैं कौन सी दुकान आज खुली रहती है। वैसे केबल तो है, पर वो एक्चुअली घर पे, अभी घर पे जाने का आने का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं एक नया केबल बाय कर रहा हूँ। नया केबल बाय कर लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये आ चुका है सिग्नल। शॉप तक एक्चुअली बंद है, तो अभी मैं चलता हूँ हिमालय मॉल, वहाँ से कोई शॉप अगर खुली है तो वहाँ से ले लूँगा। और एक अपनी छोटी सी राइड बजेगी जब तक बाइक भी सर्विस होके आ जाएगी। अभी गोप्रो में बैटरी बची हुई है सिर्फ 13% बैटरी है। चलिए चलते हैं भाई। पेट्रोल है इसके अंदर। ये आ गया एक और सिग्नल। क्या बात है, खुल गया सिग्नल तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप लोगों में दिखा रहा हूँ दोस्तों मेट्रो, जो कि स्टार्ट होने वाली है, शायद हो चुकी है पता नहीं, मतलब थोड़े दिन में इनॉग्रेशन इसका होने वाला है। तो ये आप सामने देख सकते हैं मेट्रो का स्टेशन, गुजरात यूनिवर्सिटी वाला, ये रहा दोस्तों। वन मोर सिग्नल,
सिग्नल में यार काफी ट्रांसमीटर रिएक्शंस, लोग ये देख रहे हैं यार आगे इसने क्या लगाया हुआ है। अंकल को क्या हो गया? क्या मजा आ रहा है चलाने का बर्गमैन। और ये रहा गुरुकुल रोड का मेट्रो स्टेशन। तो भाई मैंने ले लिया है टाइप सी का चार्जर और ये मुझे पड़ा 200 रुपीस का। और ये यहाँ पे जो है मुझे वारंटी भी मिली हुई है 6 मंथ की, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं अभी गैरेज पे। तो अभी मैं चलेंगे सीधा गैरेज पे और सीधा अपनी वहाँ से बाइक लेंगे। इसमें पेट्रोल भी शायद ख़त्म होने वाला है। तो चलिए गए अभी टाइप सी केबल ले लिया और अभी अल्ताफ का भी फ़ोन आ गया था कि भाई गाड़ी रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं जाता हूँ सीधा गैरेज पे, वहाँ से इसकी बर्ग में रखूँगा और अपनी R15 ले लूँगा। काफ़ी थोड़ा लंबा राउंड भी हो गया आज। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं और आपको दिखा दें कैसे अपनी सर्विस हुई है। और अभी बैटरी बची हुई है सिर्फ 5%। चलिए भाई आ चुके हैं गैरेज पे, अभी 4% बैटरी बची हुई है। अब कितना रिकॉर्ड होता है हो जाने दो। ये रहा अल्ताफ, हो गई बाइक अपनी। इसका तो गैरेज वगैरह लगता है बंद हो गया भाई। चलिए तो चेकआउट कर लेना। हो गई गाड़ी सर्विस, ये किसके लिए? ये पीने के लिए ला। मैं अकेला कंटाल रहे लो। अच्छा ऐसा है, पॉलिश वॉलिश मार के ना रखी। पॉलिश लो या रखो ना। क्या है ये? पॉलिश है। अच्छा पॉलिश है। हाँ। तो ये बच गई एक्स्ट्रा है? और एक्स्ट्रा बच गई है। अच्छा तो अपने काम आएगी ना? नहीं ना, तो 50 रुपए दे के ले गया हूँ भाई, कुछ 20-30। चलो भाई गाड़ी तो आप देख सकते हैं गाइस, पूरी चमका दिया तुमने तो यार, क्या बात है। चालू है ना लाइट? अब थोड़ी लग रही है गाड़ी है यार अपनी। नहीं इसके ऊपर एक्चुअली, इसके ऊपर मेरा जो कवर रखता हूँ ना, हाँ। तो भी यार एकदम धूल मट्टी आ रही, पता नहीं कैसे आती। कपड़े का लगा दो। हाँ कपड़े का लगा दो। क्या कपड़े का? कपड़े का कवर। तो वो आता ही क्या? हाँ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 7:10 शाम के, और गाय बाइक अपनी आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट मक्खन की तरह चल रही है, सर्विस हो चुकी है। तो अभी आपको शाम के टाइम पे जो हैजर्ड लाइट का मज़ा काफ़ी आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ सीरियस द ट्रेंड्स, क्या बात है। यहाँ पे तो पार्किंग की जगह ही नहीं है, द कंप्लीट देर इज़ नो स्पेस फॉर पार्किंग। कहाँ रखे भाई गाड़ी? बेसमेंट के अंदर, वहाँ तो पार्किंग की जगह नहीं है। क्या बात है, बेसमेंट में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है एसी की। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का हैजर्ड लाइट है अपना, छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है।
आज हम करने वाले गाइस थोड़ी सी नाइट राइड। आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है बाहर और दिवाली का माहौल चल रहा है, तो डेकोरेशन भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा गाइस। और ये हो गया सिग्नल ख़त्म, वेयर सपोज टू गो। तो गाइस अभी आ चुके हैं फाइनली घर पे और अभी टाइम हो चुका है, गाड़ी आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त सर्विस हो चुकी है, एक नंबर लग रही है गाड़ी। दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी बज चुके हैं रात के 12:05, तो आई होप दोस्तों आपको आज का जो व्लॉग है पसंद आया होगा। दोस्तों अगर व्लॉग दोस्तों पसंद आया, मोटो व्लॉग कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आई होप आपको आज का जो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तब तक ले सी यू, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी मज़ेदार और शानदार ब्लॉग में गाइस।